आदमी को भी करोड़पति बनना है तो ये इंडस्ट्री आप सभी लोगों को वेलकम करती है। बस इस इंडस्ट्री के भी कुछ उसूल हैं, इस इंडस्ट्री को इस तरह से हल्के में लेना नहीं जाना चाहिए। आप आएंगे फिर बोलेंगे हाँ चलो मैं अभी थोड़ा सा मैंने मीटिंग सुना, मैंने कुछ ट्रेनिंग लिया, कुछ प्रोग्राम्स किया है ना, एक दो बार मैं क्राउड मीटिंग में जाके बैठा और आपको लगा सब नॉलेज मेरे पास आ गया, मैं 2 महीने से काम कर रहा हूँ, मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ और फिर 6 महीने में कुछ आउटपुट नहीं आता है तो हम छोड़ देते हैं। इस तरह से नहीं बनेगा साहब, आपको इस सिस्टम को और इस डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के वसूल को फॉलो करना पड़ता है। इसको बात कर रहा हूं मैं, सबसे बड़ी चीज आती है आपको बेसिक एजुकेशन लेने के लिए आपको प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान का ज्ञान होना है, जो कि हम एसओपी के अंदर देते हैं प्रोफाइल प्रोडक्ट और प्लान। यह आपको मुंह बोली आपको बोलने को आना ही चाहिए, कम से कम 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 50 मिनट जो समय सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ है आप प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के बारे में जरूर अच्छे से बात करें। ये तो आपका बेसिक है, इससे आप एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं, इससे आप अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। लेकिन एक चीज और एक जुड़ती है इसके साथ, जब एक अच्छा प्रोफेशनल या अच्छा रियल नेटवर्कर बनना है तो कुछ फंडामेंटल्स होते हैं और कुछ स्टेप्स होती है, उसको आपको सीखना होता है। क्योंकि हम जब भी जाते हैं हम मार्केट में जाते हैं, हमारा बिजनेस जो जुड़ता है वो मार्केट में लोगों के साथ जुड़ता है, कुछ लोगों में जरूर सीखना चाहिए और यही हमने समाविष्ट किया है मास्टर इन नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स के अंदर। और इसमें सबसे पहला आज का जो टॉपिक हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं 4 टॉपिक कवर करने वाला हूं तो हर टॉपिक के लिए मैं सिर्फ 15 मिनट पे ही बात करूंगा, 15 मिनट के ऊपर मैं किसी भी टॉपिक में नहीं जाने वाला। यही मैंने अभी बताया था, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर डायरेक्ट सेलिंग बन रहे, आप सोचिए 13 लाख करोड़, 13 लाख के आगे 0 0 डालते जाना है, 13 लाख तो 13 के ऊपर 7 0 आते हैं साहब, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री ये अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बन रही है, तो इतना दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बन रहा है। आपका कितना मार्केट शेयर है ये जरूर देखिए, इसके अंदर आपका क्या मार्केट शेयर है। 13 लाख करोड़ अगर ये अभी इंडस्ट्री है, इंडिया में 10,000 करोड़ है, चाइना अमेरिका देखिए सबसे आगे है, 2.5 लाख करोड़ कर रहा है, और उनका पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो यूएसए का पॉपुलेशन और इंडिया का पॉपुलेशन में 100 करोड़ का डिफरेंस है। अब हमें तैयारी करना है, इतना बड़ा मार्केट आगे खुल रहा है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इसको पूरी तरह से अभी ग्रीन सिग्नल दे दिया है और इसको डायरेक्ट सेलिंग का गवर्नमेंट लॉ पास हुआ है और गाइडलाइन भी जारी कर दी है कि एक लीगल और एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है और इसको इस गाइडलाइन से फॉलो होना चाहिए। तो गवर्नमेंट भी इसकी तरह से पूरी तरह से आज पॉजिटिव इसके साथ है। थिंक एंड बिलीव, हमारा डीएक्सएन क्यों सबसे अलग है, ये हमारे लिए ग्लोबल बिजनेस बनता है, क्योंकि हम सिर्फ किसी एक कंट्री के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ना किसी एक एरिया या किसी लोकल बिजनेस के अंदर नहीं है, बल्कि एक ही जगह पे बैठकर हम पूरी दुनिया को कर लो दुनिया मुट्ठी में बोला जाता है, तो आपकी एक सिंगल आईडी से पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हैं, तो ये हमारा जो मेन मकसद है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जितना चाहिए आप उसमें, मतलब समंदर है, आप जितना चाहिए उतना निकालो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज आती है, इस इंडस्ट्री का सबसे पहला स्टेप आता है आपको गोल सेटिंग के ऊपर काम करना है। गोल सेटिंग अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा साहब, गोल सेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग हम देखते हैं गोल सेटिंग क्यों नहीं बनाते, सबसे पहला कारण है लोगों को डर लगता है कि मैं गोल बनाऊंगा और मैं फेल हो जाऊंगा, वैसे भी फेल रहते हैं हम जीवन में, तो गोल बनाएंगे तभी तो अचीव कर पाएंगे, लेकिन यही डर होता है कि मैं अगर लिखूंगा कि मैं आने वाले समय में ये फॉर्मूला लेना चाहता हूं और मेरे मान लो इस सारी के अंदर नहीं भी आ जाए तो मैं अपने आप को फेल्यूर होता, ये फियर ऑफ फेल्यूर से हमें बाहर आना पड़ेगा। उसके बाद आता है पेसिमिस्ट एटीट्यूड, मतलब ये निराशावादी एटीट्यूड रहता है, मतलब नहीं होगा कैसे होगा, बहुत सारी जगह पे मैंने ट्राई किया था तो कैसे हो पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा, ये एटीट्यूड खराब एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड से हम कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। इग्नोर अबाउट द इंपॉर्टेंट ऑफ गोल्स, मतलब हम इग्नोर ही कर लेते हैं कि क्या है गोल बनाना, गोल बनाना इसमें क्या जरूरत है, इग्नोर अबाउट द इंपॉर्टेंट ऑफ गोल, लैक ऑफ द नॉलेज अबाउट द गोल सेटिंग, हमारे पास वो नॉलेज ही नहीं रहता कि कैसे गोल सेटिंग करें। साथ ही साथ लैक ऑफ एम्बिशंस बोला जाता है, मतलब ध्येयवादी ही नहीं है, एम्बिशंस ही नहीं है, पैशन ही नहीं है, फियर ऑफ द रिजेक्शंस है ना, रिजेक्शन का फेल्यूर आता है, और प्रोकास्टिनेशन, बनाएंगे ना अब बनाएंगे बाद में बनाएंगे फिर कभी बनाएंगे, इस कारण लोग गोल नहीं बनाते। गोल फेल क्यों होते हैं, नॉट रिटन डाउन, कभी भी लिखते नहीं है, ये लाइनों को फास्टली जाना है अपने को, सबसे पहला अनिवार्य आपको लिखना चाहिए जो भी ड्रीम है आपका। अगर मान लो आप महीने का 20,000 भी डीएक्शन से कमाना चाहते हो, कुछ महीने में कमाना चाहते हो, तो उसको लिखिए मुझे ये चाहिए ही चाहिए, राइट डाउन। आपको कोई गाड़ी लेना है, मैंने लिख के रखा था मुझे मार्च के 28 मार्च को गाड़ी लेकर आना है, 28 मार्च मेरा गाड़ी था और वो भी था, गाड़ी था आई थिंक 9 लाख का, मैंने गाड़ी लिख कर रखा था, शायद कुछ लोगों ने ड्रीम फाइल में देखा था, लेकिन आज तारीख कितना है, आज तो 6 मार्च है, 28 मार्च क्यों लिखा था मैंने, ऋषि का बर्थडे मेरा। लेकिन देखिए स्वाभाविक है, जब हम अट्रैक्ट करते हैं वो चीजें हमारे पास भी आने के लिए तैयार हो जाती है।
और इसी को हम बोलते हैं आप राइट डाउन करिए, इसको सामने रखिए, हमारे आंखों के सामने रखिए, ड्रीम फाइल के अंदर रखिए, पिक्चर डालिए, उसको डेट डाल दीजिए और इसको हमें लेके जाना है। तो कभी भी ड्रीम हमारे फेल होने का कारण यही रहता है, हम रिटर्न नहीं करते, लिखते नहीं है, रियलिस्टी में रहता ही नहीं है, ऐसे गोल नहीं बनाना है। कीप चेंजिंग मतलब हर बार चेंज करते रहेंगे तो कभी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे साहब। आपको आपके एक गोल के ऊपर जब तक वो पूरा नहीं होता है तब तक पूरी की पूरी सारी की सारी यूनिवर्स की एनर्जी जितने भी आपके पास है वो सारी की सारी झोंक दो उस गोल के ऊपर, एक एक गोल पूरे करते जाने, जैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब गोल का प्रकार आता है बाद में, लेकिन जो भी आप अचीव करने चाहते हो सबसे बड़ा गोल नहीं, अभी छोटा छोटा गोल बना और उसको अचीव करने के लिए पूरी एनर्जी लगाओ। लेकिन चेंजिंग करना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी मैंने मान लो ये सोचा था कि अभी गाड़ी लेंगे, लेकिन फिर मैं 3-4 महीने काम करता हूँ फिर सोचता हूँ नहीं गाड़ी नहीं लूंगा मैं घर लेना चाहता हूँ, तो ये क्या हो रहा है आप ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हम कीप चेंजिंग में नहीं रहना है। नो अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहता कि क्या करेंगे तो कैसे अचीव कर पाएंगे। नो रिवार्ड्स, नो टाइमलाइंस, इसके कारण गोल सेट नहीं होते हैं। और एक होता है व्हाई सेट गोल्स, गोल क्यों सेट करना है, हमारा लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा लाइफ का कंट्रोल, हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देना मतलब जॉब और नौकरी के अंदर है। और आपको पता है जब हम नौकरी और जॉब करते तो बॉस अपने बड़े से बड़े सपने अचीव करता है। पहले वो टू व्हीलर पे आता था शायद, लेकिन फिर कार में आने लगा, फिर मर्सिडीज में आने लगा, फिर वो MD बन गया, वो बड़ा बड़ा लेवल पे जा रहा है। लेकिन जब ये कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है तो हमारा कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए, अपने हाथ में। जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हो तो आपका कंट्रोल आपके हाथ में है, लेकिन कब, जब आप गोल रिटर्न डाउन करेंगे, आप गोल सेट करेंगे तो आपका कंट्रोल आपके हाथ में है। फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट थिंग्स, आपको इम्पोर्टेंट थिंग्स यानी बहुत ही जरूरी चीजों पे ही आपका फोकस आ जाता है अगर आपके पास गोल्स होते हैं। अगर हमारे सामने कोई मकसद ही नहीं है, कोई पर्पज ही नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो आपका पर्पज भटक जाएगा। आपको क्या करना है आपको पता ही नहीं है तो आप किधर भी जाओगे। मुझे कहाँ जाना है मालूम ही नहीं तो मैं किधर भी घूमता रहूंगा, यस और नो। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं, मुझे अगर घर से निकलना है और मुझे जाना है मान लो कतरज जाना है तो मैं घर से कतरज ही जाऊंगा, मुझे सतारा जाना है तो मैं सतारा ही जाऊंगा। यहाँ पे होता है कि आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है इसी के ऊपर आपका ध्यान आ जाता है, आपका फोकस आ जाता है, आपका हैबिट बहुत अच्छा बन जाता है। क्योंकि आप अगर गोल को लिखते हैं, उसको सेट करते हैं, मुझे चाहिए चाहिए इतने दिन में चाहिए, तो आपका हैबिट भी बन जाता है, उसको एक अच्छा हैबिट बनाने के लिए गोल मदद करता है। आप अपने खुद के बॉस बन जाते हो, आपका बॉस कोई नहीं रहेगा अगर आपके पास इस तरह का पूरा सेटिंग है, पूरी तरह से प्लानिंग के साथ इंडस्ट्री के अंदर आप अगर कदम रख रहे हो। यू विल मेक गुड लाइफ इन योर फैमिली फॉर योर फैमिली, आप एक बहुत ही अच्छी लाइफ अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए निर्माण कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है। इसमें तीन तरह के गोल होते हैं, होता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम। तो हमेशा मैं बताता हूँ छोटे गोल से बड़े गोल की तरफ जाना है, ठीक है ना। तो छोटा छोटा गोल अचीव करते करते आगे बढ़ना है, तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ना है। जैसे मैंने बताया था स्ट्रक्चर चेला पहला जल्दी करो, जितना जल्दी स्ट्रक्चर होगा आपका स्ट्रक्चर पहले बनाओ, फिर अपने टीम के 6 लोगों का स्ट्रक्चर बनाओ, हो गया आपका जर्नी स्टार्ट यहाँ से। तो स्मॉल स्मॉल गोल के ऊपर पूरा ध्यान दे दो, अपनी टीम में जो छोटे छोटे गोल अचीव करेंगे उनको रिवार्ड भी देना शुरू कर दो। तो यहाँ पे एक चीज आती है, हमारा जो गोल है उसमें ये स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब उसका पूरी तरह से स्पेसिफिकेशन हमारे पास होना चाहिए कि कौन सा गोल है, कौन सी गाड़ी है, कौन सा कलर है, क्या प्राइस है, उसका EMI कितना होगा, कौन सी तारीख को आएगा, कितना डाउन पेमेंट करूंगा, कितना मैं लोन निकालूंगा, ये सारा स्पेसिफिक होता है। ये अब अगर हम आज नहीं सोचते, हम बोलेंगे बाद में कभी करेंगे, तो शायद आपका गोल सेट नहीं होता है और उस तरह की पूरी एनर्जी नहीं बना पाते हो। मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब क्या है, कौन सा मतलब कितना कब होगा, अब इतना मैं काम कर रहा हूं तो मुझे क्या और करना चाहिए तब जाके मैं इसको अचीव कर पाऊंगा। तो मेजरेबल अचीवेबल गोल होना चाहिए, मतलब कुछ कुछ लोगों ने इसको अचीव भी किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हवा में चांद तारों जैसी बातें करते रहेंगे तो फायदा नहीं होगा, रियलिटी में है। और टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइमली इंपॉर्टेंट है, डेडलाइन होता है इसको बोलते हैं डेट। जब आप अपने गोल को, अपने सपनों को आप तारीख लिख देते हो तो आपकी हकीकत बनने के लिए वो आपका गोल बन जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, जब आपने सपनों को तारीख दे दिया तो वो बन जाता है आपका गोल। सो बिलीव इन योर सेल्फ, फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आपके जीवन का आपका जो बिलीव है, मतलब सबसे पहले हम बताते ना आपका सबसे ऊपर है कंपनी के ऊपर बिलीफ है, सबके ऊपर बिलीफ है, लेकिन खुद के ऊपर नहीं रहेगा तो फायदा नहीं होगा। डिसाइड व्हाट यू वांट, हमें क्या चाहिए वो डिसाइड करिए। हो सकता है इनकम चाहिए, फैमिली के लिए अच्छी लाइफ चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नेटवर्थ चाहिए। नेटवर्थ मतलब क्या है, आपका बैंक बैलेंस 1 लाख के ऊपर जा रहा है, 2 लाख के ऊपर जा रहा है, 5 लाख के ऊपर जा रहा है, जो आपका करंट बैलेंस है वो अगर जितना बढ़ता जाएगा उसको हम नेटवर्थ बोल सकते हैं। आपकी लाइबिलिटी एक साइड में रहती है लेकिन आपका बैलेंस एक साइड में रहता है, तो आपकी पूरी एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दीजिए और जो बाकी रहता है वो आपका रियल एसेट होता है। आपने हमेशा देखिए कम से कम 3 गोल बनाने चाहिए, मिनिमम 3। उसमें सबसे पहले शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं।
या फिर आप 6 महीने के भी 3 गोल बना सकते हैं, लेकिन एक एक के बाद एक, ऐसा नहीं तीनों को साथ में, पहला ये अचीव करेंगे फिर ये अचीव करेंगे फिर ये अचीव करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपके पास 3 रिटर्न डाउन में गोल होने चाहिए। विजुलाइज करिए जहां हो सकता है मोबाइल के अंदर, अभी मेरा मोबाइल भी आपको दिखा दूं तो मैं आपको सिर्फ हवा में बातें नहीं करता हूं, और जो मैं बताता हूं ये मैं प्रैक्टिकली करता हूं। देखिए मेरा मोबाइल का जैसे ही मैं ये अभी मैंने मोबाइल बंद कर दिया, अब जैसे ही मैं ये मोबाइल का बैटरी ऑन करता हूं, मतलब क्या किया मैंने, सिर्फ ऑन किया तो मेरा गाड़ी का एक फोटो आ रहा है, दिख रहा है। अब मेरे पास एक मर्सिडीज है, फिर भी मैंने, मेरा ये गाड़ी मुझे लेना है तो भी मैंने इसका फोटो पहले ही डाल दिया था वॉलपेपर में। अभी मैंने लॉक नहीं खोला है, जैसे मैं लॉक खोलता हूँ तो मेरी दूसरी फोटो आ जाएगी, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो इसमें भी हमने क्या किया, और दो अभी दूसरा भी देखिए, तो ये हम दिखा रहे हैं आपके पास आपका इस तरह का फोटोग्राफ्स होना चाहिए। आप जब भी मोबाइल को लॉक खोलेंगे आपके सामने देखो, अभी मैं बैठा हूँ गाड़ी में, ये दिख रहा है आप सबको, ये फोटो स्टीयरिंग पे बैठा हूँ और ये फोटो आपको दिख रहा है, मैं किमोनो पहनकर ऋषि के साथ गाड़ी में, सिर्फ जस्ट देखने गया था शोरूम में, ये फोटो दिखा लिया नहीं था, बुक नहीं किया था, लेकिन जाकर पसंद करके आया था और मैंने एक ही डिमांड किया, मुझे यही गाड़ी लेना है। तो यही होता है आपका विजुअलाइज। अब ये हमेशा हमारे आंखों के सामने रहेगा तो आपको वो चुप बैठने नहीं देगा, चाहिए ही चाहिए। तो जो भी आपको चाहिए वो आपको विजुअलाइज करना है। इसके लिए हमने बताया ना, एक ब्लैंक चेक लीजिए, उसके ऊपर लिखिए 1 लाख कमाना है, 50,000 कमाना है, जो अमाउंट लिखना चाहते हो तारीख के साथ लिखिए, 11 जुलाई 2020 आपकी कितनी अमाउंट इनकम होगी, 11 जुलाई का बोनस आता है तो उसमें आप अभी अगर लिख कर रखोगे ये बोनस मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लिख कर उसमें विजुअलाइज करना होता है। ड्रीम फाइल बनाओ, अपने सपनों की फाइल बनाना होता है, हमने बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी कराई थी और जितने लोगों ने ड्रीम फाइल बनाया था आज तक उन सारे लोगों का ड्रीम फाइल पूरा हो चुका है। तो आप पीछे मत रहना, अपना खुद का ड्रीम फाइल बनाइए। मेरे घर में कहाँ पे भी देखो विजन बोर्ड मिलेंगे, विजन बोर्ड हमने पेपर्स लगाया है, एक जगह पे मैंने व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड लगाया उसके ऊपर मैं हमेशा लिखता हूँ, तो विजन बोर्ड होते हैं, मोबाइल वॉलपेपर्स, मोबाइल स्क्रीन। ये देखिए मेरा शादी के बाद का तुरंत का फोटो है, 1 साल बाद का है शादी के बाद का, तो प्रोडक्ट डिस्प्ले दिख रहा है आपको, लैपटॉप दिख रहा है, डिस्प्ले दिख रहा है, डायरी दिख रहा है, सब कुछ है, बुक है, पीछे क्या है ये ब्लैक बोर्ड में, ये आपको दिख रहा है विजन बोर्ड। उस समय पे जब मुझे बच्चा भी नहीं हुआ है, उस समय की बात कर रहा हूँ, मतलब 2009 to 10 के बीच की बात है ये, 9 to 10, और तब मेरे पास इस तरह से पूरा लिखा हुआ था, मैं घर लेने वाला हूँ, गाड़ी लेने वाला हूँ, फोक्सवैगन वेंटो मैंने 30 अप्रैल लिखा था, और आपको बता दूं उसी तारीख को मैंने मेरा गाड़ी बुक किया, उसी तारीख को गाड़ी मेरे पास आया। तो यही है हमारी ताकत बनती है जब आप इस तरह से घर में बना कर रखते हो। सोचिए मत किसको क्या लगेगा, आपको क्या लगेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपके घर में आपका एक विजन बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि आपको मोटिवेट कोई नहीं कर सकता साहब। आज अगर मैं बता रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट नहीं करने बैठा हूँ यहाँ पे, लेकिन मोटिवेशन का मतलब क्या है जान लीजिए पहले। मोटिव होना चाहिए और उसके ऊपर एक्शन डाल रहे हो, तो मोटिव होना चाहिए मेन का है। पहले सबसे पहले आपका कुछ ना कुछ तो पर्पस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आपका रियल मोटिवेशन होता है। सो मेक आपका ड्रीम फाइल, टारगेट सेट करिए, टारगेट जो भी आप बनाना चाहते हो, टारगेट तो हमने दो ही आपको बताया था, आपको स्ट्रक्चर पे काम करना है। स्ट्रक्चर का मतलब हमने बताया था 6 लाइन में बिजनेस लाना। तो आप अगर आईओसी में काम कर रहे हो, किसने म्यूट खोला है देखिए, कमल कर म्यूट बंद कर। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, अगर टारगेट सेट कर रहे हो, अगर आप एसआईएमपी में बिजनेस कर रहे हो, आप रेगुलर बिजनेस के अंदर या रेगुलर रीजनरेशन प्लान के अंदर, अगर जनरेशन प्लान के अंदर बिजनेस कर रहे हो, स्ट्रक्चर का मतलब तो हमने बताया था 6 लाइन में आपका कम से कम आपका एक्टिव 6 लाइन बनाना है। तो 1000 PV के ऊपर 6 लाइन अभी आज आ रही है, तो आपका स्ट्रक्चर शुरू हो चुका है। नीचे जाके आपके नीचे वाले 6 लाइन में अगर लोग वही काम करने लगेंगे, आपके 6 लाइन में अच्छे से बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको जो भी टारगेट करना है, तो टारगेट के ऊपर मैं बात कर दूं, अगर आप एसआईएमपी में काम कर रहे हो तो आपका 6 का स्ट्रक्चर होना चाहिए, अगर आप आईओसी में भी काम कर रहे हो तो भी 6 का स्ट्रक्चर डाल दीजिए। आप भी आईओसी लेना, 6 लोगों को आईओसी फ्रंट में देना, फ्रंट में 6, ज्यादा भी दे सकते हैं लेकिन 6 से कम मत देना, और वही सीख नीचे तक लेके जाना। तो 6 का 6 का 6 भी होते जाता है ना, तो वो स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो यही से आपको बहुत फास्ट इनकम आ सकती है, क्योंकि वो जो 3 स्ट्रक्चर का प्लान है उसके अंदर आपको तो बहुत ही आसान तरीके से आप महीने का 50,000 बहुत ही आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया। लेवल 2 में आपने दूसरे लेवल का स्ट्रक्चर बनाया, लेवल 3 के अंदर वो लोग स्ट्रक्चर बनाए। ऑफर छोड़ो, कुछ भी करो, उसके ऊपर पूरा एनर्जी डालो, डुप्लीकेशन के ऊपर पूरा एनर्जी डालो और वो पूरा करने के लिए पूरी एनर्जी झोंक दो, तो ये पूरा हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर का 3 लेवल। तो आपको महीने का 50,000 तो इनकम तय ही है, कम से कम 50,000 आपको आना ही चाहिए, ये सर्वाइवल स्टेज है।
आगे जाके अगर बात करें तो आप अगर आईओसी का स्ट्रक्चर की बात करें तो आईओसी का स्ट्रक्चर में आपकी दिमाग घूमता जाएगा, मति घूम जाएगी, इतना पैसा डीएक्सिंग के प्लान के अंदर है। मैं बता दूं आपको तो 6 लेवल में भी आपका अगर आईओसी का स्ट्रक्चर चला जाता है, 6 लेवल मतलब लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 सब लोग 6-6 का स्ट्रक्चर टाइगर बनते जा रहे हैं, तो भी साहब कम से कम 2,80,00,000 तक की इनकम आईओसी प्लान के अंदर छोड़िए, बिना किसी झंझट के, बिना किसी मंथली मेंटेनेंस से, बिना साइड वॉल्यूम से। तो टारगेट बनाओ, टाइगर बनो, टाइगर बनाओ, विनर बनो, विनर बनाओ। इधर विनर बनना था एसआईएमपी में, वो भी 6 लाइन का स्ट्रक्चर है, आईओसी के अंदर भी आया तो वो भी 6 लाइन का स्ट्रक्चर है, तो कर सकते हैं। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये कम से कम मेरी तरफ से आपको टारगेट दे रहा हूँ कि कम से कम इस टारगेट को हमें बहुत जल्दी अचीव करना ही चाहिए। तो ये हम बात कर रहे थे कि आपको सबसे पहले अगर कुछ करना है तो सबसे पहले आपका पहला स्टेप होता है गोल सेटिंग के ऊपर आइए, और अगर आज तक आपने गोल नहीं बनाया है तो कुछ भी आगे बढ़ने का आपको मौका ही नहीं है सा, कुछ मत करो, फिर पर्पज ही नहीं है। पर्पजलेस आदमी क्या नहीं कर, कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज पर्पज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 लोग भी निगेटिव मिलेंगे तो भी आप छोड़ दोगे डीएक्सएन को, क्योंकि क्या है, क्योंकि क्यों करना है और उसका पर्पज क्या है, ड्रीम क्या है, गोल्स क्या है पता ही नहीं है, टारगेट क्या है पता ही नहीं है। तो 4 निगेटिव लोग मिलेंगे और बोलेंगे अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे बहुत सारी कंपनी आती जाती, तो आप भी उसके तरह बन जाओगे, आप निकल जाओगे, क्योंकि आपके पास कुछ पर्पज ही नहीं था। निगेटिव लोग तो उधर भी मिलने वाले, तो क्यों ना आप अपना पूरा पर्पज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। अगर आपने लिखा है मुझे ये 4-व्हीलर चाहिए, तो लोग आपकी गाड़ी को, आपको मना नहीं कर रहे, आपकी गाड़ी को मना कर रहे, क्योंकि शायद हो सकता है अगर मुझे मर्सिडीज पे जाना है तो मुझे रिक्शा या ऑटो वाला आदमी से जाके नहीं पूछना है कि मैं मर्सिडीज लेना चाहता हूँ, है ना। तो आपको मर्सिडीज चाहिए तो आप उन लोगों के साथ ही कॉन्टेक्ट में रहेंगे जिन्होंने मर्सिडीज अचीव किया है, लेकिन आपको मर्सिडीज में जाने के लिए ज्यादा लोग चाहिए लेकिन आपके पास गोल ही नहीं होगा तो आप भटक जाओगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक गोल है। एक सिंपल सा स्टोरी आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक फुटबॉल का मैच चल रहा है, एक स्टोरी है आपके सामने, और बहुत मतलब घमासान मैच चल रहा है, उसमें पूरी तरह से इधर का भी कोच और इधर का भी कोच पूरी लत से और पूरा वेल सेट, उसने अच्छा ट्रेनिंग दोनों टीम को, इधर की इधर का जो पाकिस्तान का कोच है उसने अच्छा बहुत ली ट्रेनिंग बहुत अच्छी टीम को दिया था, जो इंडिया का कोच है उसने भी बहुत अच्छे से ट्रेन किया था। अब दोनों पूरी अच्छे तरह से तैयारी से लड़ाई कर रहे हैं, और यहाँ पे एक ही है, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जैसे एक युद्ध का जैसा माहौल बनता है जब सब लोग इस तरह से आके फाड़ के देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हम क्रिकेट भी देखते हैं ना उस समय पे देखना, लेकिन हुआ क्या कि कम से कम मतलब आधा घंटा हो चुका है, 20 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया, 50 मिनट, 45 मिनट हो गया, एक भी गोल नहीं हुआ। आखिर वो जो समय निर्धारित किया पूरा समय भी खत्म हो गया, लेकिन ये टीम का बी टीम के ऊपर और बी टीम का ए टीम के ऊपर एक भी गोल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि जब पता चला तो दोनों साइड में जो गोल पोस्ट था वो ही निकाल दिए गए थे। अब खेलो, कहाँ खेलेंगे, कहाँ गोल पोस्ट है, बॉल मारेंगे तो मारेंगे कहाँ? जब अर्जुना को भी पूछा गया था, अर्जुन तुझे क्या दिख रहा है, अर्जुन बोल रहा है मुझे क्या दिख रहा है, मुझे वो पंछी की आंखें दिख रही है। हेलो हेलो सर, स्क्रीन वर काई दिसत नहीं है। रहने दो, मैं दिख रहा हूँ अभी, मैंने निकाल दिया वो। अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, बोल रहा है मुझे पंछी की आग दिख रही है। अरे पर फिर आगे पूछा और क्या दिख रहा है, नहीं सर सिर्फ पंछी की आग दिख रही है। जब भीमा को पूछा था, भीमा बोल रहा है आम ही आम दिख रहे हैं, और किसी को तो पूरा पेड़ ही दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। वो लोग गोल सेट ही नहीं था, लेकिन किसका था, अर्जुन का था। 3 बार सवाल पूछा, अर्जुन ठीक से देखो, ध्यान से देखो, एक गुरु द्रोणाचार्य तुम्हें पूछ रहा है कि तुम्हें और क्या दिख रहा है, तो बोल रहा है गुरु द्रोणाचार्य क्षमा करिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी मच्छी की आंख ही दिख रही है। तो फिर उसने बोला गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हें आदेश देता हूँ, छोड़ दो बाण, छोड़ दो, लगा दो निशाना। बराबर मच्छी की आंख में वो बाण चला गया था। यही माइंडसेट है साहब, हमारा माइंडसेट अगर गोल के ऊपर नहीं रहेगा तो सब धर्रा का धर्रा रह जाएगा। क्योंकि आप इतनी अच्छी एनर्जी डाल रहे हो, पूरा टीम के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप अपना पहला सबसे पहला कदम उठाना है और वो है गोल के ऊपर। तो जल्द से जल्द मैं आपको आशा करता हूँ आप अपना गोल जरूर बनाएं, क्योंकि एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, अगर आप जल्द से जल्द आप खुद काम करोगे इसके ऊपर तो आपका टीम भी इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आप नहीं करोगे तो शायद कोई भी नहीं करेगा। आपको अपना खुद का ड्रीम फाइल बनाना है और वो ड्रीम फाइल शो करना है, वो दिखाना है गोल्स का ड्रीम फाइल। मेरा भी, मैंने लास्ट टाइम ड्रीम फाइल दिखाया था, आप लास्ट के यूट्यूब के वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, मैंने मेरा खुद का ड्रीम फाइल शो किया था। ज्यादा समय अभी मेरे पास यहाँ पे अभी नहीं है, बहुत ही कम और बहुत ही फास्ट तरीके से मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूँ, और एक ही टॉपिक और एक लेंगे हम यहाँ पे। दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा गोल सेट होने के बाद आगे क्या करें। जब आगे बढ़ना है तो दूसरी चीज आती है, स्टेप नंबर 2, जो दूसरी स्टेप है हमारी इंपॉर्टेंट,
और वो है कि आपका रॉ मटेरियल, मतलब क्या है, कोई भी कंपनी, कोई भी अगर इंडस्ट्री अगर आगे बढ़ती है तो वो इंडस्ट्री आगे बढ़ने के लिए दो चीज होता है, दो ही चीज होता है, एक होता है उसका रॉ मटेरियल चाहिए और फिर प्रोसेसिंग चाहिए। सबको आवाज आ रहे हैं? रॉ मटेरियल चाहिए और फिर प्रोसेसिंग चाहिए, तो दो ही चीज होता है, रॉ मटेरियल होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। तो ये एक चीज जरूरत है इंडस्ट्री के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे भी हम करोड़ों इंडस्ट्री और करोड़ों का टर्नओवर की बात करते हैं, यहाँ पे भी बताया जाता है 13 लाख करोड़ अभी भी बन चुका, मधी मता नहीं रहो कि आने वाले समय में होने वाला है, ऑलरेडी 13 लाख करोड़ का इंडस्ट्री का टर्नओवर है, आने वाले समय में सिर्फ इंडिया 2.5 लाख करोड़ की कगार पे जा रहा है, सिर्फ 5 साल में आप देखेंगे, सिर्फ 5 साल रुकना, 5 साल आपको बता रहा हूं, 2025 आते आते सिर्फ इंडिया 2.5 लाख करोड़ के ऊपर चला जाएगा, इतना बड़ा ताकत अभी इस इंडस्ट्री के साथ और डायरेक्ट सेलिंग के साथ लग रहा है। लेकिन जब ये ताकत लग रहा है तो रॉ मटेरियल इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी प्रोसेसिंग है और इसके अंदर भी फाइनल प्रोडक्ट निकलने वाला है। तो व्हाट इज द रॉ मटेरियल, आपका एग्जैक्टली रॉ मटेरियल कहाँ है, और वो रॉ मटेरियल है आपके लोग, वो लोग यानी आपको सक्सेसफुल कराने के लिए वो लोग ही है, अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो उन लोगों के कारण ही होंगे, अगर आप अनसक्सेसफुल होंगे तो भी वो लोगों के कारण ही होंगे। तो मैं अभी मेरा शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मास्टर बनना है तो पहला मैंने बताया था, जब तक गोल नहीं बनाओगे आगे मत जाना, नहीं बनाया जल्दी से जल्दी बनाओ, छोटा बनाओ नो प्रॉब्लम, अगर आप एक छोटा सा एक 30,000 का या 20,000 का एक स्मार्टफोन भी लेना चाहते ये भी आपका एक गोल बन सकता है। एक महिला है वो बोलती मुझे एक स्कूटी खुद के लिए लेनी है, इट्स अ स्मॉल ड्रीम, नो प्रॉब्लम ले लो, कम से कम छोटे छोटे गोल अचीव करने से जो आनंद मिलता है ना वो बहुत अच्छा होता है। एक गांव में महिला है वो रोज अपने हाथों से कपड़ा धो रही है, उसका हर रोज वो पीठ में दर्द हो रहा है, हस्बैंड बोलते हैं अगले महीने के पगार में लेंगे वॉशिंग मशीन और अगले महीने में लेंगे, यार बहुत प्राइस बढ़ चुका है, लेकिन वो लेडीज सोचती है कि मुझे बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, वो लेडीज अपना कुछ गोल सेट करे और वो वॉशिंग मशीन खुद के पैसे से लेकर आ जाए, वो बहुत बड़ा ड्रीम है सर उसके लिए लाइफ का, क्योंकि अपना घर में छोटा छोटा बच्चा है और वो जाके किसी और के घर में जाके कंप्यूटर पे जाके थोड़ा थोड़ा खेलता है, लेकिन घर में आने एक ही उसको लगता है मेरे घर में डेस्कटॉप नहीं है, मेरे घर में डेस्कटॉप का कंप्यूटर ही नहीं है, बहुत बुरा लगता है उसको, वो आज से सीख रहा है आपसे, और आज अगर वो गोल बनाते कि नहीं मेरे पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर घर में होना चाहिए, मेरे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मेरे घर में कंप्यूटर होना चाहिए, वो पूरी पढ़ाई घर पे कंप्यूटर की कर सकता है, वो और बड़ा आगे बन सकता है, इससे ही हमारा स्मार्ट वर्क निकलता है। और इसी को मैं बोल रहा हूँ, छोटा छोटा गोल जरूर बनाओ और उसको अचीव करने के लिए पूरी ताकत लगाओ। तो इस इंडस्ट्री का मास्टर बनने का पहला ही कारण है, आपको इसके अंदर पहला ही काम करना है, आपको सबसे पहले गोल पे काम करना है। दूसरा मैं बता रहा हूँ, मास्टर इन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको मास्टर बनना है तो आपको जो रॉ मटेरियल उसको समझना है, और वो रॉ मटेरियल है आपका पीपल यानी आपका प्रॉस्पेक्ट यानी आपके आजू बाजू इधर उधर जाओ सारे लोग ही लोग मिलेंगे, और उस लोगों को एनालाइज करके आइडेंटिफाई करके उसमें से संभाव्य ग्राहक के पास हम कैसे जा सकते हैं, उसके लिए आपके पास एक अच्छी की अच्छी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट होनी चाहिए। प्रॉस्पेक्ट का मतलब ही होता है कि वही ऐसा बंदा कि जो आपकी प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस यूज करता है, दो ही काम है। प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है या तो आपका प्रोडक्ट लेगा, मतलब आपके प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट होने वाला है, या फिर आपकी अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट होने वाला बंदा है, या आपका एक संभाव्य मतलब इसको पोटेंशियल कस्टमर बोला जाता है, इसको पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट बोलते हैं, या तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा आने वाले समय में, या फिर वो आपका कस्टमर बनेगा, दोनों भी आपके प्रॉस्पेक्ट है। अब प्रॉस्पेक्ट आपको समझ में आया, प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, बहुत बार यहाँ गड़बड़ हो जाती है, लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग का पता ही नहीं है, प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय प्रॉस्पेक्टिंग। और ये भी मैं सवाल पूछता हूँ, अभी भी पूछ रहा हूँ, प्रॉस्पेक्टिंग और इन्विटेशन के बीच में क्या अंतर है, प्रॉस्पेक्टिंग और इन्विटेशन ये दोनों डिफरेंस है, बट व्हाट इज मीन बाय प्रॉस्पेक्टिंग। जब प्रॉस्पेक्ट पता चल रहा है, संभाव्य ग्राहक जो कि आपका संभाव्य कस्टमर या फिर आपका पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट, या तो आपका कस्टमर बनेगा या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, तो व्हाट इज मीन बाय प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब होता है, ये प्रॉस्पेक्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्स प्रोसेस। मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं अभी गाड़ी के शोरूम में था तो वहां पे भी प्रॉस्पेक्टिंग आती है, किसी भी जगह पे जाओ वहां पे प्रॉस्पेक्टिंग आती है, कोई भी सेल, अगर आप कोई प्लॉट लेना चाहते हो, कोई घर लेना चाहते हो, कोई बंगलो लेना चाहते हो, तो इसके लिए भी प्रॉस्पेक्टिंग है। तो प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब यहाँ पे आता है कि प्रॉस्पेक्टिंग इज अ फर्स्ट स्टेप इन सेल्स प्रोसेस, एनी सेल के अंदर पहली स्टेप होती है, और इसका मतलब होता है आपको आइडेंटिफाई करना है आपके पोटेंशियल कस्टमर को, मतलब संभाव्य ग्राहक को आपको आइडेंटिफाई करना है, उनको कॉन्टेक्ट करना है,
और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है अप्रोच योर प्रोस्पेक्ट। मतलब क्या है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है अप्रोच करना। उसमें मतलब क्या है, रिपीट करता हूं, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है आपके संभाव्य ग्राहकों को या फिर आपके प्रोस्पेक्ट को एग्जैक्टली अप्रोच करना। और अप्रोच किस लिए करेंगे, या तो आपके कस्टमर बनेंगे या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। इसके लिए आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हो, वो दो मिनट में, तीन मिनट में, एक मिनट में आपका अप्रोच अगर जा रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब सर यहाँ यहाँ फलाना मीटिंग हो रही है वहां पे आ जाओ, ये नहीं है। तो प्रोस्पेक्टिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है, वो हम आने वाले सेशन में लेंगे, लेकिन आज मैं आपको दो ही सेशन लेने जा रहा हूँ। पहला हमने गोल सेटिंग लिया था, अभी हम बताएंगे प्रोस्पेक्टिंग। ये जो फर्स्ट स्टेप ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, जब भी किसी भी सेल्स के अंदर जाते हो तो प्रोस्पेक्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप बोला जाता है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन आपके सामने है, प्रोस्पेक्टिंग इज द लाइव ब्लड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब क्या है, आपका खून दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है अभी? यस और नो? सबका खून दौड़ रहा है, ऑक्सीजन, प्राणवायु हर कोशिकाओं तक पहुंच रहा है, दौड़ रहा है और कंटिन्यू ये दौड़ रहा है। तो ये आपका ब्लड है ना, वो आपका अगर कहीं पे भी रुकेगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। उसी तरह से आपका प्रोस्पेक्टिंग इज द ब्लड, लाइव ब्लड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एक ऐसा गर्म खून है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। ये कभी रुकना नहीं चाहिए। अपने अंदर झांक के देखो, आपका हार्ट जो एक घंटे में और एक मिनट में और एक दिन में कितनी बार पंप करता है, एक मिनट भी वो रुकता नहीं है। तो प्रोस्पेक्टिंग आपका लाइव ब्लड है। लाइव ब्लड मतलब क्या है, हर समय आप क्राउन है, क्राउन एम्बेसडर बन जाओ या फिर और अभी आगे जाओ, आपका प्रोस्पेक्टिंग कंटिन्यू चलता रहता है और ये आपके लिए एक ब्लड के तरह काम करता है। प्रोस्पेक्टिंग इज द ऑक्सीजन ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब जहां जाओ प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग जैसे आप जब बात कर रहे हो तो प्रोस्पेक्ट है, और जो भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने वो आपका रियल असेट है। यस, अगर आज आपके पास कोई आलीशान गाड़ी नहीं है, अगर आपके पास आलीशान घर नहीं है, आलीशान वोकेशन के लिए आप नहीं जा रहे हो, आलीशान फॉरेन टूर नहीं कर पा रहे हो, आलीशान आपका कोई इस तरह का अचीवमेंट नहीं है, लग्जरियस अचीवमेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको ये लाइन बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ये सारा है। मैं रिपीट करता हूं, ये गाड़ी, ये घर, ये बंगलो, ये महीने की 1 लाख 5 लाख इनकम ऑलरेडी भगवान ने आपके पास दी है, और वो कहां है, वो है प्रोस्पेक्ट के अंदर, आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन दूसरा है, प्रोस्पेक्ट इज योर रियल असेट। अब ये नहीं सोचना कि मेरे पास प्रवीण सर के जैसा गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं सोचना सर, आपके पास जो मिलने वाला है वो प्रोस्पेक्ट के अंदर है, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपका रियल असेट है। आपकी असेट दूसरी जगह पे नहीं है, अभी आपकी असेट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर बात करें तो आपका रियल असेट क्या है, आपका प्रोस्पेक्ट, वो प्रोस्पेक्ट जो आपका आने वाले समय में कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। व्हाई मोस्ट पीपल डोंट मेक अ प्रोस्पेक्ट लिस्ट, प्रोस्पेक्ट लिस्ट मतलब लिस्ट मेकिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बहुत कम लोग मतलब यहाँ पे बताएं कि ज्यादातर लोग प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्यों नहीं बनाते, इसका पहला कारण वही है, फियर ऑफ रिजेक्शन आता है। मैं अगर 10 लोगों का नाम लिखूं और 10 में से मुझे 2 लोग ना बोलेंगे तो अरे ना तो बोल रहे ना, ज्यादा से ज्यादा क्या बोल रहे। और शादी भी करनी थी तो हमने 10-10 लड़कियों को हमने देखा, 10 लड़कियों ने अगर ना बोला तो क्या 11वीं लड़की नहीं देखी? तो ये तो ना सभी इंडस्ट्री के अंदर आता है, सभी सिस्टम में आता है, और यहाँ पे भी आएगा आपको। आप जितना बड़ा लिस्ट बनाओगे उसमें से आपको कुछ ही लोग मिलेंगे, लेकिन लिस्ट जितना बड़ा होगा आपका एवरेज भी उतना बड़ा होगा, आपका नंबर्स का एवरेज भी उतना बड़ा होगा। तो सेलिंग का एटीट्यूड का भी प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाते। मतलब क्या है, सेलिंग वाला एटीट्यूड रहता है, मतलब लोग क्यों नहीं लिस्ट बना रहे। लिस्ट न बनाने के कारण, ये भी एक कारण है, सेलिंग वाला एटीट्यूड है। मतलब क्या है, वो जब लिस्ट बनाने बैठता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है कि मैं शायद ये प्रोडक्ट किसी को बेचने जा रहा हूं और इसलिए इसका नाम लिख रहा हूं। गलत, ये एटीट्यूड बहुत ही रॉन्ग एटीट्यूड है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आप जब भी लिस्ट बनाओगे आपको इस एटीट्यूड से लिस्ट नहीं बनाना है, आपको इस तरह से लिस्ट नहीं बनाना है कि मैं लिस्ट इसलिए बना रहा हूं कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूं। नहीं सर, इसको आपको चेंज करके प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर लेके जाना है। आप जिसका नाम लिखोगे उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो नाम के साथ जुड़ जाएगी, और आपको पता है हो सकता है उसकी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, हो सकता है उसकी कोई भी मतलब स्वास्थ्य के रिलेटेड कोई समस्या है, हो सकता है उसको जॉब नहीं मिल रही, हो सकता है उसको बहुत कम सैलरी में काम कर रहा है, बहुत मेहनती बंदा है लेकिन उसको उतना रिटर्न नहीं आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम के अंदर है। तो आप जब भी लिस्ट बनाओगे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एटीट्यूड बनाकर बनाइए, डोंट फॉर सेल्स, मतलब सेल का बात सोच कर अगर लिस्ट बनाएंगे तो शायद आपका लिस्ट पूरा नहीं होगा, लेकिन लोगों की क्या क्या समस्या है उसको सोच कर लिस्ट बनाओगे बहुत लंबी लिस्ट बनेगी साहब। इग्नोर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट मेकिंग, कुछ लोगों को पता ही नहीं है और इग्नोर भी करते, कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है, कुछ लोग इग्नोर करते हैं। पेसिमिस्ट एटीट्यूड यहाँ पे भी आता है, मतलब ये यहाँ पे भी निराशावादी कुछ लोग हैं कि करेंगे, करने से क्या फायदा होगा, देखते हैं,
क्या फायदा होने वाला है। तो ये पेसिमिस्ट मतलब एक आशावादी होता है और एक निराशावादी होता है। मतलब कुछ लोग आपको मेंटोर होते हैं, लीडर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, वो बताते हैं, लेकिन हम यह कान से सुनते हैं और ये कान से छोड़ देते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों ने प्रॉस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाए, मुझे मालूम है, क्योंकि हम 100 लोगों को बताते हैं ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सर 10 से 15 लोग ही करते हैं, और वही तो सक्सेस का रेशियो है। तो ये आपको एटीट्यूड तोड़ना पड़ेगा। प्रोक्रास्टिनेशन, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है। और यहाँ पे एक बात है, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर सक्सेस। अगर कोई इमारत खड़ी होती है तो उसका एक ब्लूप्रिंट होता है। पूछिए, एक ऐसे बिल्डर के पास जाके बैठिए, कैसे कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के पास जाके बैठिए, सर आपने इतना बड़ा बीमा इमारत बनाया, इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन बनाया, क्या इसका ब्लूप्रिंट आपके पास था? तो बोलेगा हाँ सर, पहले ब्लूप्रिंट था, पहले जमीन, उसके बाद ब्लूप्रिंट, और जब जगह मिली तो उसके बाद ब्लूप्रिंट, और उसके बाद पहला खड्डा खोदा है। ऐसा नहीं कि दो चार खड्डे खोदे और फिर ब्लूप्रिंट बना रहा है, गलत तरीका है। तो कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इमारत, ताजमहल भी आज बना है ना, तो भी ये ब्लूप्रिंट पहले कागज पे था और फिर वो सत्य में यानी रियलिटी में आ चुका। वही चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी आपका ब्लूप्रिंट आपके कागज के ऊपर होना चाहिए। आपने 50 लोगों के नाम लिखे, आपने 100 लोगों के नाम लिखे, उसी में से आपके कुछ रियल स्टार बनेंगे, रियल डायमंड बनेंगे, रियल क्राउन भी बन सकते हैं। तो आपको वो ब्लूप्रिंट रेडी रखना है। जितना बड़ा लंबी लिस्ट बना सकता है उतना लिस्ट बड़ा रखने की कोशिश करिए, राइट डाउन करिए लिस्ट हमेशा आपका। मैं बता रहा हूँ, ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि लिस्ट जब भी लिख रहे हो आपको, वो आपको एक डायरी पेन लेकर उसके अंदर लिस्ट बनाना चाहिए। यहाँ पे देखिए मेरा, यहाँ पे मेरा प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है, बहुत अच्छा बुक, हमने सबको दिख रहा है, यस और नो, ये दिख रहा है? तो ये हम देख रहे हैं, दिस इज अ प्रॉस्पेक्ट, मेरा हाथ के अंदर है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, उल्टा हो गया। तो ये में क्या लिखा है, यहाँ पे विजिटर बुक लिखा होगा कहीं पे, देखिए विजिटर बुक है, ये आपको उल्टा दिखेगा शायद, विजिटर बुक ये कहाँ मिलता है? आपको कहीं पे भी मिलेगा, स्टेशनरी के अंदर। विजिटर बुक कहाँ होता है? आप किसी भी प्लॉट के अंदर या कहीं पे भी बड़ी इन्वेस्टमेंट या किसी भी बड़े शोरूम में, किसी भी बड़े जगह पे जाते हैं, वहां पे विजिटर के लिए बुक बनाया जाता है। किसी इमारत या किसी सोसाइटी के अंदर इस तरह का विजिटर बुक मिलेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंटेड लिखा होता है सब कुछ, नाम, मोबाइल नंबर, प्लेस, कहाँ से आया, ईमेल आईडी, किसको मिलना चाहता है, नोट रिमार्क, ये सारा लिखा होता है। तो आप में से इसमें से कुछ तो एरिया आपको मिल रहा है ऑलरेडी, तो ये आपको रेडीमेड मिलता है, ठीक है ना, रेडीमेड। तो रेडीमेड आपके पास अगर रहेगा, और एक ऐसा इतना 600 रुपए का मैं लेकर आया था, मेरी मिसेस बोल रही थी कि सर यहाँ पे प्रवीण, मतलब माला था सर, कशाला म्हणती अहो इथे 400 रुपयाला पण आहे, कशाला 600 घेत आहे, अहो 300ला पण आहे, म्हटलं नाही 600 रुपयाचं असेल तर मी ते बनवेल ना घरी गेल्यावर। तर ते तुम्ही सुद्धा, मी सांगतोय, व्हॅल्यू ऍडेड राहा, 600 रुपये पे करा त्या गोष्टीसाठी, ज्या गोष्टीला पे करता त्याची तुम्हाला किंमत कळते। 600 रुपये तुम्ही बनवून ठेवा, 500 लोकांची माझ्याकडे आता प्रॉस्पेक्ट लिस्ट ऑलरेडी रेडी आहे, राईट डाऊन युअर प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। मतलब आज भी, मतलब इतना भी आगे आ चुका हो, डबल क्राउन डायमंड है ना, तो एग्जीक्यूटिव डबल क्राउन डायमंड अभी बनाओ, लेकिन फिर भी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट मेरे पास है, और उसी में से लोग मैं निकाल निकाल के अभी डीएक्शन के अंदर लेकर आ रहा हूँ। नेवर प्री जज, कभी भी लिस्ट बनाते वक्त आपको कभी भी जज नहीं करना है। जज का मतलब क्या होता है, आप ही सोच रहे हो, आप ही सोच रहे ये बंदा आएगा, ये बंदा नहीं आएगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, अरे ये तो बहुत गरीब है, ये कैसे करेगा, कौन सोच रहे हैं? हम ही सोच रहे हैं। हम कौन होते हैं उसका पोटेंशियल गिनने वाले? हमारे पास वो कोई अधिकार नहीं है कि किसका पोटेंशियल कितना बड़ा है और किसका पोटेंशियल क्या है, हमें पता नहीं है। आपका नाम था, सिर्फ ड्यूटी था, आपको सिर्फ एक ही काम दिया था, आपको सिर्फ लिस्ट बनाना है। ऐसा सोचिए दिमाग के अंदर, मुझे एक नाम लिखने का 1000 रुपया मिलने वाला है, सिर्फ लिखने का मिलने वाला, ऐसा बोल के अपने मन को बताइए, और सिर्फ नाम लिखते जाना है बिना सोचे, और नाम के साथ क्या क्या करना है वो आगे बताता हूँ। नेवर एवर प्रीजज, और साथ ही साथ जब भी लिस्ट बनाओगे तो आपके फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर लिस्ट बनाए, ताकि आप अपने फैमिली को भी एनरोल करेंगे, फैमिली को भी इन्वॉल्व करेंगे, अपने मिसेस को इन्वॉल्व करिए, आप हो सकता है आपका भाई हो सकता है, अपने मम्मी पापा हो सकते हैं, तो उनको भी एनरोल करिए कि सर मैं एक लिस्ट, जैसे शादी में कैसे बैठते हैं सब लोग, सब रिश्तेदार बैठते हैं, तुम्हारे घर वाले सब बताओ, तुम्हारे इधर के बताओ, तुम्हारे उधर के बताओ, अगर बीवी बैठे तो बीवी को बोलते हैं तुम्हारे इधर के भी कुछ रिश्तेदार के नाम बताओ, तो ये लिस्ट बनता है अपने आप। कभी आपको नाम याद नहीं आता है, अपने मिसेस को याद आ जाएगा, आपके भाई को याद आ जाएगा। तो फैमिली के साथ बनाना बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट, और आपका एक इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है। तो डोंट जज, और यहाँ पे मिनिमम 200 लोगों का नाम निकालना चाहिए, कम से कम 200 लोग, क्योंकि मैं 10% इसका सक्सेस का रेशियो पकड़ता हूँ। तो 200 का नाम अगर निकालेंगे, आपके 20 तो काम आ जाएंगे इसमें पक्का, 20 तो बनेंगे ना, डायमंड बन सकते हैं या फिर डबल डायमंड या कुछ भी बन सकते हैं, तो 20 तो पावरफुल मिलेंगे, क्योंकि 10% का रेशियो है। तो 200 का नाम होना चाहिए। डो नॉट जज,
लिस्ट का फॉर्मूला होता है, आप पहले फ्रेंड्स का नाम लिखिए, फिर रिलेटिव्स का नाम लिखिए, फिर आई यानी इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, जहाँ पे आपने कभी पढ़ाई की थी, जहाँ पे आपने कुछ भी शिक्षा ली थी वहां के फ्रेंड्स होते हैं, फिर आपके एम्प्लॉयज के होते हैं, ये आपका एफ आर आई ई एन डी एस ये फॉर्मूला है, फ्रेंड्स बोलते हैं इसको, एफ आर आई ई एन डी एस इज अ फ्रेमवर्क, ये आपको लिस्ट बनाने के लिए मदद करेगा, इसका फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहले आप दोस्त, फिर रिलेटिव्स, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, उसके बाद एम्प्लॉयज, मतलब जहां पे हम अभी जॉब कर रहे हैं, पहले कहाँ करते थे, आज क्या कहाँ कर रहे हैं, तो पुराने जॉब के अंदर के भी एम्प्लॉय अलग अलग निकलेंगे, तो हर जगह पे आपकी लिस्ट बनती जाएगी। फिर नेबर्स, पहले मैं इस एरिया में रहता था, अभी इस एरिया में रहता हूँ, तो अलग अलग एरिया में आपके अलग अलग नेबर्स होते हैं, तो अलग अलग जगह के आपके नेबर्स निकल जाएंगे। डायरेक्टरी, कोई भी मोबाइल का डायरेक्टरी यूज कर सकता है, कोई फोन के अंदर डायरी में अंदर अपने खुद की एक डायरी होती है हर साल की, उसके अंदर नाम लिखने की आदत बनाता है, कुछ लोग शादी में बहुत बड़ा एक लिस्ट बनाने की आदत बनाते हैं, तो डायरेक्टरी निकलती है, डायरेक्टरी के अंदर से नाम निकाल लीजिए, और एफ आर आई एन डी, और लास्ट में आता है यस, यस का मतलब होता है स्ट्रेंजर्स। अब स्ट्रेंजर्स के नाम कैसे लिखेंगे, जिसको आप जानते नहीं, जिसको आप पहचानते नहीं, जो आपको पता ही नहीं, उसके नाम कैसे लिखेंगे, उसके भी नाम आप लिख सकते हैं, जो आप स्ट्रेंजर्स मतलब आप उसको जानते नहीं थे, लेकिन जब भी आप उसको मिलोगे तो स्ट्रेंजर्स का मतलब आज मैं चार लोगों को जाके मिला, तो शाम को आके वहां पे एक पॉकेट डायरी जेब में रखिए छोटा वाला, और चार लोगों के नाम लिखिए। हाँ, मैंने एक लोग बोला था गुरुवार को मीटिंग में आना है, संडे को मीटिंग में आना है, और वो नया था, बस में मिला था, है ना, आप ओला में जा रहे थे, ओला में भी वो मिला, या फिर बस स्टॉप पे खड़े थे, या फिर कहीं किसी जगह पे गए थे, वहां पे आपको फैमिली प्रोग्राम के अंदर या किसी फंक्शन में या किसी शादी के अंदर बातें चलते चलते उनसे बात हुई। हम नाम ही नहीं लिखते डायरी के अंदर और फिर लिस्ट में लेकर आना जरूरी है, आपको पता होगा ये आदत होगी ना, तो इसी तरह से आप फिर लोगों को फॉलोअप भी ले सकते हैं। तो डेली इसको आपको क्या करना है, डेली भरने के लिए स्ट्रेंजर यानी यस आता है, हर रोज कम से कम दो नाम तो ऐड कर सकते हैं कि नहीं, देखो कितना बड़ा लिस्ट बनाया जा सकता है। इंक्रीज द योर लिस्ट ऑफ द योर सुपर रेफरल, इसका मतलब क्या है, आपके रेफरल से मतलब क्या है, जिनके आपने नाम लिखे थे उनके रेफरल भी आपको मिलेंगे, इंक्रीज होगा। मान लीजिए आपने आपके मामा का नाम लिखा, एग्जाम्पल बता रहा हूं, सोचना नहीं है मामा आएगा नहीं आएगा, मामा बिजनेस करेगा नहीं करेगा, मामा डीएक्शन का चाय पिएगा नहीं पिएगा, लेकिन मैंने नाम लिखा क्योंकि मुझे सिर्फ बताया गया है कि नाम लिखने का मुझे 1000 रुपए मिलने वाला है, सोचो सिर्फ, और दिमाग का ताला बंद करके चाबी समंदर में फेंक दो और सिर्फ काम करो। मामा का नाम इसलिए लिखना है, मामा का नाम लिखने के तुरंत बाद आपका जो दिमाग है